Hey guys, hope you're doing great. तो जैसा कि सबको पता ही है कि 2020 तो ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है और काफ़ी लोगों को हमने खो दिया 2020 में। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से नेपोटिज्म के ऊपर बहुत कुछ चल रहा कि इसको बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो, उसकी वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूँगा मगर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि नेपोटिज्म है क्या यार, सबसे पहले तो इस पे बात करें। अगर आप ये कह रहे हो कि नए लोगों को चांस नहीं मिलता, नए लोग स्ट्रगल करते हैं, उसको नेपोटिज्म कहते हैं, तो ये खाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं है। ये तो जब से आप शुरू होते हो, पैदा होते हो, तब से राशन कार्ड से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेजेस हर जगह है। ये तो नेपोटिज्म तो एक केस सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का तो है ही नहीं है। और अगर नेपोटिज्म ही देखा जाए, सबसे बड़ा तो रिजर्वेशन को भी हम नेपोटिज्म ही कह सकते हैं। तो कुछ अगर मैं शुरुआत से अगर शुरू करें, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो बॉम्बे क्यों जाता है सबसे पहली बात? अगर आप बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे जाके ही एक्टर बन सकते हो, और कहीं एक्टर नहीं बन सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप बॉम्बे जाते हो तो एक्टर बनने नहीं, आप पैसा कमाने भी जा रहे हो फेम के पीछे जो भी है, क्योंकि एक आप मुंबई बॉम्बे एक हब है इंडस्ट्री हो। जैसे कि अगर कोई आईटी में है या किसी और चीज़ में करना चाहता है, वो गुड़गांव जाएगा, बेंगलोर जाएगा, वैसे लोग मुंबई जाते हैं काम की तलाश में। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं, मैं एक आईटी का हूँ और मैं अगर किसी गुड़गांव या बेंगलोर किसी कंपनी में गया, और मेरा बायोडाटा, मेरा प्रोफाइल कितना भी अच्छा है और उसने मुझे लेने से मना कर दिया और किसी और को, अपने जान पहचान वाले को किसी को लिया, तो हम उसको क्या बोले? नेपोटिज्म। मगर उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो हमें जबरदस्ती ले, उसकी कंपनी है, उसकी मर्जी है, वो जिसको लेना चाहे वो ले सकता, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकता। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो इस तरह से ले सक जो ले रहा है वो कंपनी ठीक नहीं है, क्योंकि ये राइट है कि आप बोल सकते हैं, मगर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते या किसी को फोर्स नहीं कर सकते लेने के लिए। तो अगर मेरी कंपनी भी है तो इट्स माय बिजनेस ना, मैं किसको लूंगा किसको नहीं। अब एक और एग्जांपल अगर जैसे लेते हैं, कोई होटल है, आप लोगों ने कोई होटल खोला, आपके बिल्कुल सामने आसपास कोई दूसरा होटल खोला, तो आप उसको कम्पीट करोगे कि नहीं करोगे? उसके साथ बिल्कुल कम्पीट करोगे। बड़ी बड़ी कंपनियों देखो यार, वो छोटी छोटी कंपनियों को खा जाती है उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको क्या बोलोगे? लाइफ इज नेवर इजी, फेयर तो कभी थी नहीं यार, ना कभी होगी आगे, इजी तो कभी थी नहीं। तो यार सुसाइड या आत्महत्या, ये तो यार कोई कारण है ही नहीं। आपको अपनी लाइफ एक बार मिलती है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जो मेन चीज आप ये कर सकते हो, जिन लोगों को आप कह रहे हो जिनकी वजह से हुआ, आप उनके साथ काम करना बंद कर दो, उनके साथ काम ही ना करो। और एक फिल्म बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद भी फिल्म बना सकते हो। जो लोग, जिनको आप लोगों को लगता है
ये काम कर रहे हैं, अब उनको छोड़ दो, अब अपना एक ग्रुप बनाओ अपने साथ, अपने उन लोगों को इकट्ठा करो साथ, कुछ अच्छे लोगों को उनके साथ काम करना शुरू करो। इंडस्ट्री कुछ 4 लोगों को या 5 लोगों को मिलकर तो इंडस्ट्री बनती नहीं है। और ये जो कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो रहे हैं कि हाँ हम भी सपोर्ट में हैं या इसके हैं उसके हैं, अगर उनसे पूछा जाए, उनको कुछ ऐसे एक्टरों का भी नाम नहीं पता होंगे, जैसे संजय मिश्रा हो गया, विजय राज हो गया, इन एक्टरों के नाम भी नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता होगा कौन है जो इंडस्ट्री के सपोर्ट में आए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ही हैं, क्योंकि इनको स्टार बनाने वाले आप लोग हैं, आप ही इन लोगों की मूवी देखने जाते हैं। अगर आप लोग नहीं जाओगे, मूवी चलेगी नहीं, पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो किसी को आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि उसने किया है या किसने किया है, आई डोंट थिंक ये सही बात है। यार एक एग्जाम्पल ले लो यार, कल को कोई काम शुरू करता है और उसमें लॉस हो जाए, घाटा हो जाए, तो क्या सुसाइड कर लेना चाहिए? आप खुद ही बताओ। अगर मैं भी कोई फिल्म कर रहा हूँ या कोई कुछ मुझे कुछ काम मिला, और कल को किसी वजह से जिसने मुझे काम दिया उसने मना कर दिया देने से, क्या होगा? लॉस ही होगा ना, और इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या हम दोबारा से शुरुआत नहीं कर सकते जीरो से? उसमें नहीं किसी और चीज़ में काम करो, घाटा होने से या लॉस होने से ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हो जाती ना यार। जो नए लोग भी जा रहे हैं उनके भी पता नहीं माइंड में कुछ अलग सा क्या डाल दिया जाता है, इंडस्ट्री कैसी है कैसे नहीं। तो कुछ चीजें हैं यार, तो सबसे पहले आप लोगों को खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो ऐसे लोगों की फिल्में देखना बंद कर दो, अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता खुद के साथ काम करना बंद कर दो। जब आप लोग काम ही नहीं करोगे, वो भी अकेले तो काम कर नहीं सकते, उनको भी चलाने के लिए एक टीम चाहिए, विदाउट टीम तो कोई काम नहीं कर सकता ना। आप अपनी टीम क्यों नहीं तैयार करते? अपनी टीम तैयार करो, उनके साथ काम करो। और क्या कहूँ यार, लाइफ एंड करना किसी भी चीज का हल नहीं है। बहुत सुंदर है यार जिंदगी, एक ही बार मिलती है सिर्फ। और हम इस दुनिया में खाली पैसा कमाने तो नहीं आए, खाने 3 वक्त की रोटी है, कई बार 2 लोगों को 2 वक्त की भी मिलती है, अब उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। उसके बाद तो अपने डिजायर्स हैं, जितना मर्जी उसको बढ़ा लो, घर बड़ा ले लो, गाड़ी बड़ी ले लो, एक गाड़ी ले ली उसके बाद ये गाड़ी नहीं अच्छी, उसके बाद SUV चाहिए, SUV नहीं ले ली, उसके बाद लैंड क्रूजर चाहिए, लैंड क्रूजर लेने के बाद हमें जहाज चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। वो तो जितना मर्जी यार आपके ऊपर है, जितना मर्जी बढ़ाई दो। बुरा तो लगता है यार, कोई ऐसे सुसाइड किसी भी चीज का हल नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ लगता है आपके ऊपर प्रेशर, आप दूसरे लोगों से बात करो यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर आपके पास हो रहा घाटा ही होगा ना, माइनस में चले जाओगे, दोबारा काम तो शुरू कर सकते हो, जिंदगी रहेगी तो जिंदगी खत्म कर लोगे, काम कैसे करोगे? दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय ये जो लोग उठाते हैं इसकी वजह से उसकी वजह से हुआ, काफी हद तक हमारी खुद की भी गलत काफी हद तक हमारी खुद की भी गलती होती है, क्योंकि हम भी सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री में कोई है, उसको कोई ऑफर करता है, वो काम करेगा? उसके नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, मना नहीं करेगा। जो आप कह रहे कि इंडस्ट्री में ऐसे पार्शलिटी होती ही होती है, अगर आपको स्टैंड लेना है आप प्रॉपर स्टैंड लो। अगर आपको बस काम खिलाता है, उनको बोलो मैं उनके साथ नहीं काम करूंगा, तब तो होती है बात। अगर आप लोग कहते हो कि हाँ वो एक तरह पार्शलिटी भी कर रहे हैं और आप लोग उनके साथ भी काम कर रहे हो, ये तो हिपोक्रेसी वाली बात होगी। और अगर कोई एक्टर बनना चाह रहा है बॉम्बे,
तो खाली एक्टर बनने जा रहा, आप लोग बिजनेस के लिए जा रहे हो, लोग जॉब के लिए जा रहे हो। एक्टर बनना तो आप अपने शहर में भी बन सकते हो, आप थिएटर एक्टर बन सकते हो, थिएटर आर्टिस्ट बन सकते हो, एक्टिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो, नुक्कड़ नाटक कर सकते हो। आप अगर मुंबई या बॉम्बे जाते हो तो आप जॉब के लिए जा रहे हो, ये चीज़ आपको भी क्लियर होनी चाहिए। और हर रोज कोई ना कोई आ रहा है, कॉम्पिटिशन कितना टफ है आप लोगों को भी पता है, तो आप किसी से ये डिमांड नहीं कर सकते कि वो मुझे नहीं ले रहा है, किसी को नहीं ले रहा है। कल को आप कंपनी बनाते हो, आप भी अपने किसी जानने वाले को पहले प्रेफरेंस दोगे, अपने बच्चे भाई किसी को भी। ये नहीं है कि आप किसी अननोन को उठा के वो लाइफ मेरी कंपनी संभाल ले, नहीं ना। तो वो भी उसकी कंपनी है यार, जिसका जो मन करे वो करे, अच्छा ना होना बुरा होना ये आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों को नहीं लगता, उनका काम करना बंद कर दो, उनकी फिल्में देखना बंद कर दो। मगर आप लोग ये कहते हो कि उनकी वजह से किसी की डेथ हुई है या किसी ने करा, तो आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से यार ये थोड़ा सा है। बहुत लोग मेरे से इससे सहमत नहीं भी होंगे, मगर क्या कह सकते हैं यार, लाइफ इजी नहीं है, ये सबको पता है, ना कभी इजी होगी। हर कोई एक दूसरे को खाने के लिए बैठा है, किसी को मौका मिलना चाहिए। तो आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा यार, खुद को अपने आप को चेंज करो, अगर आप किसी दूसरे में चेंज की देखना चाहते हो तो। बस ये था यार कि सुसाइड किसी चीज का हल नहीं है, आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है। कुछ भी काम करते हो, काम सिर्फ काम है यार, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, घाटा हो गया दोबारा से ट्राई करो, दोबारा से कोशिश करो, पैसा तो आता जाता है, आ भी जाएगा चला भी जाएगा। एक हमारा जो माइंड है उसको हमें ठीक रखना पड़ेगा। ऊपर से आजकल ये सोशल मीडिया जो आ रखा है उसने आधा वो काम खराब कर रखा है, वो भी किसी के ऊपर भी कुछ भी लिख देता है और उसको ये भी नहीं पता कि उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर, दूसरे बंदे के ऊपर। छोटी छोटी बातों पे आप लोग पुतला जलाने लग जाते हैं, पुतला जलाने से क्या होगा बताना जरा। तो अगर आप किसी चीज में चेंज देखना चाहते हो तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, स्टार्ट विद योर सेल्फ। कोई दूसरा नहीं आपको चेंज करना है, आप खुद चेंज करोगे। अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ बात करो कि भाई कुछ गलत है, उसके खिलाफ स्टैंड लो। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप लोगों को खुद को अपने आप को देखना पड़ेगा, आप लोग कितने सही हो। बस ये हयात कुछ, वैसे मैं बहुत कुछ शेयर नहीं करता, जो लोग जानते हैं दे नो आई एम लाइक इंट्रोवर्ट, आई डोंट लाइक टू शेयर मच। बट ये कुछ चीजें थी यार, थोड़ा बहुत जितना भी मैंने इंडस्ट्री को मैंने भी देखा है। तो आप किसी पे ये नहीं कह सकते कि यार मुझे जबरदस्ती नहीं दे रहा वो या मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा, ये तो है यार, सबको पता है नेपोटिज्म है। तो इस करके आप किसी पे ये नहीं थोप नहीं सकते कि उसकी वजह से किसी ने सुसाइड कराया, वो कर उसकी मर्जी है, वो काम देना चाहे नहीं देना चाहे, उसकी कंपनी है। आपको नहीं लगता, आप लोग अपना काम अपना ग्रुप बना के शुरू करो, मूवी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है यार, जरूरी नहीं आप बिग बैनर के साथ ही आपने जाना है काम करना। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी देखो, लोगों ने अपने लेबल बनाने शुरू कर दिया, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो यही है यार, जिंदगी से हारना नहीं, जिंदगी से लड़ना सीखो। हाँ ये मतलब बोलना आसान है, आप लोगों को लगेगा हमारे करना मुश्किल, मगर यही है यार, लड़ना पड़ेगा। बस ये कुछ शेयर करना चाहता था, खुश रहो यार, एक दूसरे की मदद करो, मुस्कराओ, जिंदगी बहुत हसीन है, देखने वाली नजर चाहिए। और सिर्फ पैसा ही अब सब कुछ नहीं है, मेन सिर्फ पैसे के पीछे लड़ाई है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी वजह से हमारा घाटा, उसने वजह से हमारा वो नहीं हुआ, कुछ नहीं है। तो कुछ और काम करो यार, जरूरी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट बनो, नहीं आता खुद बनाना शुरू करो, खुद प्रोडक्शन हाउस खोल लो। काम से भी बहुत कुछ आ गया यार जिंदगी में। आखिरी में ये कहूँगा यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे की मदद करो, खुश रहो, जिंदगी जियो यार।
जिंदगी का कुछ पता नहीं, अगले पल क्या हो जाए। टिल देन टेक केयर, सी यू।